मैं बोल रहा हूँ यार, लोग बोल रहे हैं भाई हम लोग यार हम कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स इंडिया का नाम खराब कर लेते हैं, बट जो जो कंटेंट क्रिएटर्स है उन लोग जो यानी आईपैड को स्ट्रेच स्क्रीन क्रिएट करते हैं उन लोग नाम रोशन करते हैं रैंक बोर्ड में जाके। भाई कैसे भाई, मेरे को बताओ क्यों? व्हाई भाई, मारो भाई भाई कैसे भाई क्या भाई, ही तूने बोलूं नेरुलैक भाई। नेरुलैक पैंट यूज किया है? बहुत बहुत चूतिया पैंट है भाई। अबे हंस रहा है भाई, माँ कसम बहुत चूतिया पैंट है भाई। भाई करो, भाई चालू भाई करो। भाई मेरे को बात बताओ, बंदे कुछ बंदे को तो आंखें नहीं खुलती है पता है, तो आईपैड से खेलना पड़ता है उनको, दूर का चीज दिख जाए। वेलकम टू पबजी ऐसी बात नहीं मोबाइल। है, लौंडा अपना जायरो यूज करता है वो और किसमें आईपैड पे। ओहो, हमने ऐसा स्प्रे दिया था तो ये भाई माँ की चुदाई, उसका थंबनेल देख के डर गया था अबे पता है। बट वो एक छोड़। अबे अबे बेंच में एक बात बता, अबे हाँ, 20 लाख मैं वही करके कोई सोच मेरे रहा को लोग भाई। स्पैम भाई, 20 लाख 20 लाख मैं लौटा 20 लाख नरेला क्या है भाई ये, मैं ऐसा बोला। वो बोलता लो मैं स्काउट रंडी बोला, अरे मादर चोद मैं तेरे को चूतिया, मैं तेरे को अगर गांडू बोलूंगा तू बोलेगा रंडी तो मैं तेरी माँ चोद दूंगा, सिंपल सिंपल सी बात है भाई। अबे भाई मेरे को भी नहीं पता था, अबे मजाक नहीं, मेरे को नहीं पता था ये B-Lag लेजेंडरी गेम एक्स प्रो वाला चैनल वाला बंदा है। भाई देखो मैं तुमको एक बेसिक चीज बोलता हूँ भाई, देखो लोग ऑफेंड मत होना, फैक्ट है ठीक है। जिन्होंने पहले सब्सक्राइबर्स गेन किया था उस टाइम पे ऑडियंस को डिफरेंस नहीं पता था कॉम्पिटिटिव मोबाइल एमुलेटर फलाना ढिमाना माकी चूत सब कुछ का। तो भाई उस टाइम पे बच्चे चूतिया बन गया था, वो सब बच्चे बड़े हो गए तो उनको दिख रहा भाई हमें चूतिया बनाया इस बहन के लोड़े ने, तो तुम्हारी माँ की चूत कैसे चूतिया बनाया, तो ऐसे कर लौंडे ठीक है। क्योंकि भाई माँ का सब उसके कमेंट में क्या चलता है भाई, आप आईपैड में खेलते थे हमें बताया नहीं आपने, बोला अरे हेलो ब्रो एक्सपोज चोरी हाथ पकड़ाई 1 साल पहले। भाई घातक भाई का सुपर चैट मिस कर दिया क्या तू? देख किधर भाई, नेरोलैक का मतलब क्या है? नेरो क्या है? ये तो मैंने पहले ओ घातक रंडी तेरे सुपर चैट के चक्कर में मर गया साले, कैसा रंडी बोला ही तुम्हारा। भाई पड़ेगा डीएसएम एंटिटी 8-bit दोनों हिल के ऊपर बैठी है, देखते हैं उनका रोटेशन कितना फास्ट होता है। मॉर्टल की टीम सबसे ज्यादा क्लोज है वीएसजी के, तो पहली बैटल उन दोनों की ही होगी और बूट कैंप के भी अंदर जो भी टीम्स हैं उनको बूट कैंप के एकदम एजेस पे आना पड़ेगा, तो वो लोग को ओपन ग्राउंड में थोड़ा फाइट करना पड़ेगा जो कि बहुत ही टफ हो सकता है। मॉर्टल ने अच्छा बहुत अच्छा स्प्रे किया, लॉन्ग रेंज स्प्रे कंट्रोल करके जेड डॉट को नॉकआउट किया है, देखते हैं वो किल कंफर्म कर पाता है कि नहीं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए टीम 8-bit भी आ रही है, 8-bit ने फाइनली टीएसएम एंटिटी के ऊपर हल्ला बोल दिया और एंटिटी यहां पे नॉकआउट हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, मरने से पहले टीएसएम एंटिटी के पास 15 किल थे तो उनके पॉइंट बहुत ही ज्यादा है अभी भी। मॉडल ने बहुत ही अच्छा मारा यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज थी टीएसएम एंटिटी एक बहुत ही वैलियंट एफर्ट के बाद इस गेम से बाहर हुई, एक साथ उन्होंने 3 3 टीमों को हैंडल करा। उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा ओपनिंग चाहिए था 8-bit को आगे जोन में आने के लिए, जो ओपनिंग टीम मॉर्टल टॉक्सिक ने उनको दे दिया था ऊपर हिल पे, वहाँ पे नियो को जैसे ही उन्होंने नॉक करा पूरी की पूरी 8-bit ने उनके ऊपर रश करा और टीएसएम एंटिटी को वापस भेज दिया। ऑन दी अदर साइड टीम मॉर्टल टॉक्सिक पूरे वीएसजी क्रॉलर्स पे चढ़ चुकी है, ऑलरेडी एक प्लेयर उनका नॉक है। ओआर टीम वाइपर ने भी ऑन दी अदर साइड उनको थर्ड पार्टी किया और रेगल टॉस को और अमन को नॉक किया, और उसी के साथ साथ वीएसजी क्रॉलर्स को तो बहुत बड़ी हेल्प मिलती हुई टीम वाइपर से, वरना टीम वीएसजी क्रॉलर्स बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाती। टीम मॉर्टल टॉक्सिक वापस जाते हुए ऑन दी अदर साइड 8-bit यश ने दलजीत को नॉक किया, वीएसजी क्रॉलर ईवो ने यहाँ पे दलजीत का किल चुरा दिया यश से। तो यहाँ पे हमें बहुत सारा थर्ड पार्टी को देखने को मिल रहा है, 4 टीम 8 लोग अलाइव, वीएसजी क्रॉलर टीम वाइपर मेगा और 8-bit हमें अभी अभी अलाइव दिख रही है यहाँ पे मैप में। वीएचसी क्रॉलर्स के पास पोजीशन एडवांटेज है, मैन एडवांटेज है, मेरे को तो लगता है कि वीएचसी क्रॉलर्स ही ये गेम निकाल के जा सकती है। मेगा के ओंकोर जितना हो सके खुद को हील कर रहे हैं लेकिन ये उनका आखिरी फर्स्ट एड किट है, मुझे लगता नहीं है वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। दे ही इज होपिंग कि उसके पहले कोई और मर जाए और यही हुआ, टीम 8-bit यहाँ पे एलिमिनेट हो गई है और ओंकोर बनने से पहले 8-bit बेक को मर्सी को भी खत्म कर देंगे। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उनके तरफ से, दो टीम्स के आगे निकल गए वो। माना कि नेरोलैक बील लैक लेजिट स्काउट के साथ कंट्रोवर्सी है। अच्छा तो स्काउट का तो भी करता रहता है, छोड़ो नेरोलैक 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 का गाना कैसा है बे? ओए गाना नेरोलैक वाला ऐड गाइयो एक बार, क्या नेरोलैक का गाना कैसा है देखने दो, नेरोलैक ऐड देखने। ओ हेलो ओ हीरो लोग, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अबे क्विट कर रहे थे ना, नेट डाल रहे थे तो इतना डर लगता है क्या?
मेरिट कम करने का डिसीजन कसम, नेरोलैक लिए नेरोलैक पबजी आता पहले, पता है नेरोलैक ऐड सुनने दे मुझे। है क्या नेरोलैक ये तो बता, कितना डाउनलोड कितना हुआ जल्दी बता दे। कुछ और क्या कर रहा है भाई, कर तू गेम स्टार्ट कर तू बे, कर दे कर दे। सुन तो रंगीन सपने सजा, ओ भाई माचो दो भाई, ओ भाई ओ भाई। सुन ही नहीं पाया, लोडिंग आ गया था, वापस सुन वो सुन। ये पैराडॉक्स माल वाल फूका है क्या, देख रहे भाई ब्रो नेरोलैक। ओ भाई ये वाला मैदर खेलना है क्या भाई, सरदर गॉड वर्सेस गेमर्स प्रो में किसके तरफ हो? देखो भाई मैं किसी के तरफ नहीं हूँ, ठीक है, मेरे लिए दोनों ही चूतियाँ हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, दोनों दोस्त हैं। तो हम बस उनका नाम लेके व्यूज ले रहे हैं, ठीक है, करवा दे वो। भाई देखो मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैंने ट्राई किया भी, लेकिन दोनों तरफ मामला गर्म है, तो मैं दोनों तरफ से मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब जो चल रहा है उसका बस मैं फायदा उठा सकता हूँ, जैसे कि मैं अभी उठा रहा हूँ। They become a part of you every time you play.